तो हे नमस्ते, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज हम आ चुके हैं भुज में स्थित स्वामीनारायण टेम्पल। तो चलिए दिखाते हैं आप स्वामीनारायण टेम्पल में कहाँ कहाँ रुक सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो और पूरी मंदिर की परिक्रमा कर सकते हो। तो ये रहा भुज का सबसे लोकप्रिय स्वामीनारायण मंदिर का एंट्रेंस, जो कि विशालकाय होने के बावजूद भी इतनी खूबसूरती से बनाए गए। तो जब भी आप लोग गुजरात विजिट करोगे तो आपको स्वामीनारायण जी के मंदिर में हर जगह पर गाय की मूर्तियां दिखेंगी, क्योंकि कहा जाता है कि स्वामीनारायण जी श्री कृष्ण जी के अवतार थे। और अगर आपको इनसे भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे नीलकंठ और ये रही श्री स्वामीनारायण जी की पादुकाएं, जो कि आपको मंदिर के ठीक द्वार पर मिलेगी। तो ये जो स्वामीनारायण टेम्पल है वो पूरा व्हाइट मार्बल से बनाया गया है। तो यहाँ पे आप अंदर जैसे आओगे, आपको बाहर में भले ही गर्मी लग रहा होगा पर अंदर में आपको पूरा ठंडा महसूस होगा। और यहाँ पे आप इसकी जो कार्विंग्स देखोगे तो वो आप समझ ही सकते हो कि ये कितने बारीकी से और कितने सुंदर तरह से बनाया गया है। आप लोग के मन में ये जरूर चल रहा होगा कि इतना लोकप्रिय मंदिर इतना खाली क्यों है। तो क्योंकि अभी का वक्त 12:30 हो रहा है, इसलिए अभी पूरा मंदिर खाली है और गुजरात की ज़्यादातर मंदिरें 12:30 से लेकर 3:30 तक बंद रहती है। अगर आप लोग अपने प्राइवेट गाड़ी से आते हो तो यहाँ पूरी पार्किंग की सुविधा दी गई है, आप आराम से यहाँ पे पार्किंग कर सकते हो। अगर मैं स्टे की बात करूँ तो आप इन दोनों होटलों में yatradham.org से अपने लिए बुक कर सकते हो, जो कि मंदिर से बस 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर। तो चलिए वापस से आते हैं इस मंदिर की बनावट की ओर। तो अभी आप मेरे सामने देख पा रहे होगे राधा कृष्ण जी की, गणेश जी की और शिव पार्वती जी की प्रतिमा। और अगर मैं इस पूरे मंदिर के एरिया की बात करूं तो ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा बड़े एरिया में फैला हुआ है और जैसे आप लोग परिक्रमा करने के लिए जाओगे तो आपको इन्हीं तरह से काफ़ी खूबसूरत कार्विंग्स या फिर नक्काशी देखने को मिल जाएगी। और जैसे मैं नक्काशी की बात कर ही रहा था तो यहाँ व्हाइट मार्बल पर आप देख ही सकते हो कि रामायण की पूरी कथा को यहाँ पे कितनी खूबसूरती से दर्शाया गया है। और यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से हनुमान जी पूरी कठिनाइयों का सामना कर कर अशोका वाटिका पहुँचते हैं माता सीता से मिलने, और किस तरह से वो अपना परिचय देते हैं भगवान श्री राम का अंगूठी दिखाकर। और भी आगे की कथा जानने के लिए आप इस खूबसूरत सी मंदिर को ज़रूर विज़िट करना। और अगर आप लोग को यहाँ तक मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना मत भूलना। ये जो स्वामीनारायण जी की मंदिर जो भुज में स्थित है वो खुद ही श्री स्वामीनारायण जी द्वारा स्थापित की गई दूसरी मंदिर है। और अगर मैं इस मंदिर की स्थापना की बात करूं तो ये कुल 200 साल पहले स्थापना की गई थी। और यहाँ पे जो 2001 के दौरान जो गुजरात में भूकंप आया था उसके कारण यहाँ पे भी थोड़ी बहुत नुकसान हुई थी, जिसे 2001 के बाद यहाँ के संतों ने और जितने भी भक्त जन थे उनकी मदद से ये मंदिर को दोबारा बनाया गया, जिसे बनने में कुल 6 साल लगे। तो मंदिर के आसपास घूमते घूमते और परिक्रमा करते करते घड़ी में कुल 4 बज चुके हैं। और जैसे कि अभी 4 बज चुके हैं तो अभी आपको भक्त जन की काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। और अभी शाम का वक्त है इसलिए यहाँ पे जितने भी भगवान हैं उनके कपाट को खोल दिया गया। यहाँ पर आपको विष्णु जी, गणेश जी, शिव जी, माता पार्वती और भी कई सारे भगवानों की मूर्तियाँ देखने को मिल जाएंगी।
और यहाँ पे जितने भी भगवानों का नाम मैंने लिया उनकी मंदिरों को ये प्रमुख मंदिर के आसपास में बनाया गया है, जहाँ पर आप अलग से जाके उनकी मंदिर में प्रार्थना करके उनकी परिक्रमा कर सकते हो। वैसे यहाँ पे जो मंदिर में लाइन लगती है वहाँ पे महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग लाइन रहती है, और यहाँ पे जैसे आप अंदर घुसोगे वैसे हर मंदिर की तरह यहाँ पर भी आपको अंदर में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने मना किया जाएगा। और ये रही सामने में श्री कृष्ण जी की प्रतिमा, और ठीक बगल में आपको पूरी आरती का शेड्यूल मिल जाएगा जिसे देखकर आप इस मंदिर को उस टाइम पर विजिट कर सकते हो। तो इसी के साथ हम लोग आज का व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। सो आई होप आपको स्वामीनारायण टेम्पल का पूरा व्लॉग अच्छा लगा। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, और हम लोग मिलते हैं जल्दी नए जगह पे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।